हेलो दोस्तों, स्कूप अड्डा में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है शिवम गुप्ता। तो पिछले कुछ दिनों से लोग सोच रहे हैं कि ब्लैक फंगस के इतने केस भारत में ही क्यों आ रहे हैं, क्यों इसे कई राज्यों में एपिडेमिक घोषित कर दिया गया है, क्यों बाहर के देशों में वहाँ पे ब्लैक फंगस के केस नज़र नहीं आ रहे। तो इसको लेकर आज इस वीडियो पर मैं बात करूँगा कि एक्सपर्ट्स ने क्या कहा है, क्या रीज़न्स हो सकते हैं वो सब। तो ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, ये सब चर्चा में आया पिछले कुछ दिनों से। कोरोना वायरस के केसेस ज़रूर कम हो रहे हैं, लेकिन इसने चिंता बढ़ा दी, ये सब ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस ने। अब ऐसे में बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि स्टीरॉयड्स ज़्यादा मात्रा में मत लीजिए, कोरोना जब होता है शुरुआती स्टेज में स्टीरॉयड्स मत लीजिए। और ये भी सामने आ रहा था कि जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है वो दी जा रही है, अनहाइजीनिक जो होती है वो कोरोना पेशेंट्स को दी जा रही है, जिसके कारण ब्लैक फंगस के केसेस आ रहे हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे बातें आ रही थी कि लोग गंदे मास्क लगातार यूज़ कर रहे हैं, उसके कारण शायद ये ब्लैक फंगस आ रहा है। ऐसे तरह तरह की बातें सामने आ रही थी। अब डॉक्टर ने बताया इस मसले पर, जोधपुर एम्स हॉस्पिटल के ENT हेड और प्रोफेसर डॉक्टर अमित गोयल ने बताया कि क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके कारण कि भारत में ब्लैक फंगस के केसेस आ रहे हैं, बाकी देशों में नहीं आ रहे। अब उन्होंने लिखा है कि कई लोग शुगर को रोज़ाना चेक नहीं कराते या तो दवाई नहीं खाते। लोगों का मानना होता है कि यदि एक बार दवाई शुरू कर दी तो ज़िंदगी भर दवाई लेनी पड़ेगी। तो ये भी एक कारण हो सकता है, लोग यहाँ पर इतने हेल्थ को लेकर इतने सीरियस नहीं देखते कई बार, ये भी एक कारण हो सकता है। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें लगता है कि भारत के मुकाबले दूसरे अन्य देशों में अनमॉनिटर्ड स्टीरॉयड का इस्तेमाल नहीं होता। तो यहाँ अनमॉनिटर स्टीरॉयड का इस्तेमाल होता है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी लोग यहाँ पर स्टीरॉयड ले लेते हैं, जो कि बाकी देशों में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होगी तभी स्टीरॉयड लेते हैं, ऐसे अपनी मर्जी से नहीं लेते। तो फिलहाल जब इस पर रिसर्च होगी तब पूरी तरह से पता चल सकेगा कि ऐसा क्यों हुआ। डॉक्टर ने बताया कि हमारे यहाँ साफ सफाई ना रहना भी एक कारण हो सकता है, लोग इस्तेमाल हुए मास्क को फिर से इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ये पॉइंट्स अभी सामने आ रहे हैं कि यहाँ पर एक तो प्रिस्क्राइब्ड, अगर डॉक्टर ने नहीं भी प्रिस्क्राइब किया तब भी लोग अपनी मर्जी से स्टीरॉयड ले लेते हैं, मास्क गंदे में मास्क इस्तेमाल करते रहते हैं लगातार। तो ये कुछ कारण अभी सामने आ रहे हैं। उसके अलावा भारत की जनसंख्या अधिक होने के कारण भी क्या ऐसा है। इस पर डॉक्टर गोयल ने कहा कि यदि हम US और भारत की 1% आबादी की तुलना करें तो दोनों में फ़र्क होगा, क्योंकि वो कहने में 1% है लेकिन नंबर्स अलग अलग होंगे। ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन जिस तरह से हमारे यहाँ मामले आ रहे हैं वो अन्य जगहों पर नहीं दिख रहे। इसका जवाब तभी मिल सकता है जब अन्य देशों के मधुमेह के शिकार मरीजों की तुलना अपने देश से हो और देखा जाए कि हमारे यहाँ और अन्य देश में मधुमेह की जो प्रीवेलेंस है उसके मुकाबले या हमारे यहाँ फंगस की प्रीवेलेंस कितनी ज़्यादा आ रही है। तो डॉक्टर के अनुसार ब्लैक फंगस की खासियत ये भी है कि इसमें ग्रसित मरीज कभी घर नहीं बैठ सकता, उसे अस्पताल जाना ही होगा। कोरोना संक्रमित कम प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग जो लंबे समय से ICU में रहे, कैंसर, कीमोथेरेपी वाले मरीज, स्टीरॉयड के उपयोग करने वाले मरीज और अनियंत्रित मधुमेह से पीड़ित मरीजों में ज़्यादातर फंगस से ग्रसित हो रहे हैं। तो ये अभी तक डॉक्टर ने कहा है। तो वजह यही आ रही है कि लगातार गंदे मास्क आप यूज़ कर रहे हैं, फिर आप स्टीरॉयड ज़्यादा ले रहे हैं अनप्रिस्क्राइब्ड, मतलब डॉक्टर ने बोला भी नहीं तब भी ले रहे हैं और शुरुआती स्टेज में ले रहे हैं। तो ये कुछ कारण है। आपको ऑक्सीजन जो मिल रही है इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स में कोरोना पेशेंट्स को, वो अनहाइजीनिक है। तो ये सब कारण सामने आ रहे हैं जो एक्सपर्ट ने भी कहा है। ऐसे ही कोरोना से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्कूप अड्डा, और आखिर में अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी कोरोना से जुड़ी अपडेट्स मैं डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।